तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में दोबारा से फिर से कांग्रेस सरकार बने तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के उपद्रवियों से रिकवरी वसूली के लिए लाए गए नए अध्यादेश कानून को इलाहाबाद हाई कोर्ट में विपक्ष ने दी है चुनौती। भाई मैं आपको बता दूं, योगी सरकार द्वारा राजनीतिक जुलूसों, विरोधों, प्रदर्शनों, आंदोलनों के दौरान सार्वजनिक और निजी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली के लिए लाए गए रिकवरी अध्यादेश नए कानून को इलाहाबाद हाईकोर्ट में विपक्ष ने चुनौती दी है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता शशांक श्री त्रिपाठी ने एक जनहित याचिका इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की है। वही मैं आपको बता दूं, शुक्रवार को योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाकर यूपी में रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश नए कानून को लाई थी, जिसे रविवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी मंजूरी दे दी थी। इस कानून के तहत वसूली का नोटिस जारी होते ही उन उपद्रवियों की संपत्ति को कुर्क कर दिया जाएगा, साथ ही आरोपियों के पोस्टर भी लगा दिए जाएंगे ताकि कोई भी उनकी संपत्तियों को बेच ना सके। तो ये इसमें अधिकार योगी सरकार ने दिए हैं। वहीं इसके खिलाफ कोई भी उपद्रव्य जो है कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका नहीं डाल सकेगा, ये भी इसमें प्रावधान है। वहीं इस कानून को लेकर विपक्ष ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता विजेंद्र सिंह ने कहा कि भारत देश और सरकार संविधान के मुताबिक काम करेंगे, संविधान में जो भी प्रावधान है उसी के अनुसार काम होंगे। पोस्टर लगाने की बात यह है कि हाई कोर्ट ने पहले हटाने का आदेश दे दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया ने कहा कि राजा यानी योगी अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कमाल की बात है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी को पब्लिक नहीं कर सकते, लेकिन राजा ईगो को संतुष्ट करना है इसीलिए अधिकारियों ने ये नए कानून को बनाया और लोगों के पोस्टर लगाए। अगली खबर की ओर बात करते हैं। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मोदी सरकार को राजस्थान से बड़ा झटका। नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची राजस्थान सरकार। अब तक सुप्रीम कोर्ट में 160 याचिका नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दायर। वही मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। राजस्थान सरकार का कहना है कि इस कानून से संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार और जीने के अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों का हनन होता दिख रहा है। केरल ने भी इस कानून के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की है। तो ये दो राज्य हैं जिन्होंने संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की है। वही मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 131 का सहारा लेकर शीर्ष यानी सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका राज्य सरकार कर सकती है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र से विवाद होने की स्थिति में राज्य सीधे शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर कर सकता है और राज्य सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को संवैधानिक और प्रावधानों के इतर शून्य घोषित करने का अनुरोध किया है। भाई मैं आपको बता दूं, इन दोनों राज्यों ने पहले भी नागरिकता संशोधन कानून NRC और NPR के विरोध में अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पास कर दिया है। तो काफ़ी बड़ी ये बहस है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज भी इस कानून को लेकर काफ़ी पीछे चल रहे हैं और वो इस कानून को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है और कोई भी फैसला नहीं सुना रहे हैं। जबकि इस कानून के तहत लगभग 500 लोगों की मौतें भी हुई हैं और करोड़ों से ज़्यादा का इस कानून के तहत नुकसान हुआ है, लोग मारे गए हैं। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गगोई, जिन्होंने सुनाया था राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का फैसला, उनके राज्यसभा जाने को लेकर उठे सवाल। असुद्दीन ओवैसी ने कहा, क्या ये तोहफे के बदले तोहफा है? भाई मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गगोई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और BJP के द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किए जाने पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं।
उन्होंने अपने ट्वीट में ओवैसी ने राज्यसभा के लिए नामित होने की अधिसूचना के साथ लिखा, क्या ये तोहफे के बदले तोहफा है? लोगों को न्यायाधीशों की स्वतंत्रता में विश्वास कैसे होगा? वहीं असुद्दीन ओवैसी के बाद चीफ जस्टिस पर कांग्रेस ने भी साधा निशाना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने उनके राज्यसभा पद के लिए नामित होने पर कहा कि दावा किया कि चीफ जस्टिस रंजन गगोई राज्यसभा जाने के खातिर सरकार के साथ खड़े होने और सरकार एवं खुद की ईमानदारी के साथ समझौता करने के लिए याद किए जाएंगे। वहीं मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्विटर पर दो खबरें शेयर करते हुए गगोई को नामित किए जाने पर तंज कसा। ट्विटर पर उन्होंने जो खबरें शेयर की उसमें एक में गगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने की और दूसरी में कहा कि न्यायपालिका पर जनता का विश्वास कम होता जा रहा है। सुरजेवाला ने खबरें शेयर करते हुए कहा कि तस्वीरें सब कुछ बयां करती है। तो ये काफ़ी बड़ा बयान है। मैं आपको बता दूं, बीजेपी और हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा पद जो है पूर्व चीफ जस्टिस जिन्होंने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया था उनको दिया है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं। मध्य प्रदेश में सियासी संकट के बीच कांग्रेस के लिए सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबर। सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र बीजेपी के द्वारा फ्लोर टेस्ट यानी बहुमत साबित करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। कल 10:30 बजे होगी अगली सुनवाई। वहीं मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में सत्ता की खींचतान चरम पर पहुंचने के बाद विपक्ष की यानी बीजेपी की जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट यानी बहुमत साबित करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब भाजपा नेताओं की इस याचिका पर बुधवार सुबह 10:30 बजे यानी कल अगली सुनवाई होगी। मालूम हो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फ्लोर टेस्ट की यानी बहुमत राज्यसभा में साबित करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी और मांग की गई थी कि जल्द से जल्द जो है बहुमत साबित करे कांग्रेस राज्यसभा में। भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर की थी। भाजपा ने उम्मीद जताई थी कि कर्नाटक की कहानी मध्य प्रदेश में दोहराई जाएगी। फ्लोर टेस्ट को लेकर सोमवार को भोपाल में सुबह से रात तक काफ़ी गहमा गर्मी रही। सुबह विधानसभा की कार्रवाई राज्यपाल के भाषण से शुरू हुई। राज्यपाल ने एक मिनट में भाषण दिया। इसके बाद स्पीकर ने 26 मार्च तक कोरोना के नाम पर विधानसभा स्थगित कर दी थी। वहीं मैं आपको बता दूं, भाजपा के 106 विधायकों की राज्यसभा में परेड भी कराई गई है। शाम होते होते राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लेटर लिखकर फ्लोर टेस्ट यानी बहुमत साबित करने को कहा और रात होते होते कमलनाथ सरकार से मिलने के लिए कमलनाथ राजभवन पहुंच गए। अगली खबर की ओर बात करते हैं। कोरोना वायरस के चलते मस्जिदों को लेकर साध्वी प्राची के विवादित बोल, राहुल गांधी को लेकर भी कहीं अहम बात। वही मैं आपको बता दूं, विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने इस बार कोरोना वायरस को लेकर आपत्तिजनक बात कही है। बरेली पहुंची साध्वी प्राची ने कहा कि अगर देश में कोरोना के डर से मंदिर बंद हो सकते हैं तो मस्जिदों को भी बंद कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने देश में कोरोना वायरस के फैलने के पीछे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया। मीडिया से बातचीत करते हुए साध्वी प्राची ने कहा कि ये बात सच है कि कोरोना के डर से वैष्णो देवी और सिद्धि विनायक मंदिर बंद हो गए हैं। इसके अलावा और भी मंदिर बंद हैं क्योंकि हिंदुस्तान का हिंदू बहुत सेंसिटिव है। ये मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगी, अगर देश में मंदिर बंद हो सकते हैं तो धर्म और जाति से ऊपर उठकर सरकार को जामा मस्जिद और अन्य मस्जिदों और मदरसों को बंद करना चाहिए। 5 वक्त की नमाज भी बंद होनी चाहिए क्योंकि वहाँ भी जाएगा कोरोना वायरस। मंदिर में जाएगा तो मस्जिद में भी कोरोना वायरस जाएगा, इसीलिए 5 वक्त की नमाज बंद होनी चाहिए। साध्वी प्राची ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खास तौर पर अपील की है कि वह यूपी की मस्जिदों को तुरंत बंद करवाएं क्योंकि कोरोना वायरस मस्जिदों तक पहुंच रहा है। वहीं राहुल इटली से आए उनको लेकर भी साध्वी प्राची ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी देश में कोरोना वायरस फैलाने का आरोप दिया लगाया है। उन्होंने कहा कि इटली से लौटे राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस फैलाया है। अगली खबर की ओर बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बागी विधायक बोले,
हम सिंधिया के साथ हैं, बीजेपी में शामिल होने पर जल्द करेंगे फैसला। भाई मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में सियासी संकट के बीच कांग्रेस के बागी विधायकों ने मंगलवार को बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विधायक गोविंद सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कमलनाथ हमारी 15 मिनट भी नहीं सुनते तो हम अपने क्षेत्र की विकास किसके सामने रखें। वहीं बागी विधायकों ने कहा है कि वे जल्द ही बीजेपी में शामिल होने पर विचार करेंगे। बागी विधायक इमरती देवी ने कहा कि जितोरियादित्य सिंधिया ही हमारे नेता हैं, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है, चाहे कुओं में कूदना पड़े लेकिन हम उनके साथ ही रहेंगे। एक अन्य विधायक ने कमलनाथ पर वादों को पूरा ना करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के समय कमलनाथ ने वादा किया था कि जिस आदिवासी लड़की की शादी होगी उसे 51,000 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहीं एक अन्य विधायक ने कहा कि हम सभी राहुल गांधी से मुलाकात की थी, हमने उनसे कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ, राहुल गांधी ने हमें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया था, बीजेपी में शामिल हो चुके। बी साहू लाल ने कहा कि जब हम राहुल गांधी से मिले तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। जब बागी विधायकों ने पूछा गया कि क्या वे उपचुनाव के लिए तैयार हैं तो सभी ने कहा कि वे किसी भी तरह के चुनाव के लिए तैयार हैं। तो बीजेपी को काफ़ी अच्छी खबर है भाई, कांग्रेस को ये काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है।